ये वाला जो वीक का स्टार्ट है थोड़ा सा मुख्तलिफ है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनके घर में मुख्तलिफ साइजेस के बच्चे पाए जाते हैं, क्योंकि आज मुख्तलिफ बच्चों की जो तातीलात है वो खत्म हो गई हैं और दोबारा से तालीमी इदारे आबाद हो गए हैं। घर वीरान तो मैं कहूंगा बल्कि कहूंगा घर पुरसकून हो गए। तो ये सिलसिला शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल, आज से बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला जी शुरू हो चुका है और पंजाब भर के जो स्कूल्स हैं उनमें दोबारा से बच्चों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है, कॉलेजेस में भी। और पहले रोज हाजिरी की शरह कुछ कम थी, लेकिन इमरान सबसे जो एक जो कह लें खौफनाक बात है ये कह लें कि इस महंगाई का जो इन्फ्लेशन का असर आया वो स्कूल वैन्स पे जो ट्रांसपोर्टेशन है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों के बैग, उनके नए सिलेबस, जो बुक्स हैं, क्योंकि नॉर्मली वेकेशन के बाद आपको नई बुक्स लेनी होती हैं या कॉपीज का कोई मार्जिन होता है वो खत्म हो जाता है, तो वो जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज्यादा कंप्लेन करते नजर आए। और क्योंकि मेरे अपने घर में भी बच्चे हैं, मेरे नेफ्यूज हैं, एवरीवन वाज लाइक कि ये डबल प्राइसेस हो गई हैं, जो वैन्स पे बच्चे जाते हैं उनके पर जो किराए हैं वो बढ़ा दिए हैं। सो ये भी एक बड़ा, बहुत सारे बच्चों का तो पर मंथ जो वैन का खर्चा है वो उनकी मंथली फीस से भी ज्यादा, यू नो दैट, हजारों रुपए में जो वैन वाले चाचा हैं वो चार्ज करते हैं और उनके फिर नखरे भी अपने होते हैं, फिर हर कुछ अरसे बाद वैन चाचा चेंज भी करने पड़ जाते हैं। और वैन चाचा के नखरे इसलिए क्योंकि उधर से 10 रुपए गवर्नमेंट ने फी लीटर बढ़ाए, इधर से वैन वाले चाचा ने 2000 रुपए पर मंथ बढ़ाए। तो इस तरीके से ये इन्फ्लेशन का असर हो रहा है। दूसरी जानिब यस, जो तनख्वाहदार तबका है उसका बजट बुरी तरह से डिस्टर्ब है, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चों के यूनिफॉर्म्स लेने हो, उनकी कॉपियां लेनी हो, उनकी किताबें लेनी हो, भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और इस हवाले से मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को कोई रिलीफ पैकेज देना चाहिए कि वो बच्चों के लिए जो सिलेबस है कम अज कम या यूनिफॉर्म है कम अज कम उसके लिए स्कूल्स के ऊपर कोई ना कोई ऑब्लिगेशन है। स्कूल्स वैसे इतनी ज्यादा फीस लेते हैं, उसके साथ साथ उनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो यही होता है कि कभी कौन सी बुक चाहिए, कभी कौन सी यू नो कॉपी चाहिए, करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पे पेरेंट्स बेचारे परेशान होते हैं। दो किड्स गुड, लेकिन जो फाइनेंसिस का हाल होता है उनके के फलाने दिन ये कलर डे है, ये फलाने इतने पैसे लगाओ, ये कर लो, तो ये भी एक बड़ी चीज है, इस पे भी कुछ होना चाहिए। वी होप कि ये हो। लेकिन दूसरी जानिब जी, हमने आपको स्कूल की सूरत हाल बता दी, लेकिन मुल्क के अंदर जो ट्विस्ट आ रहे हैं ना, मुल्क की सियासत के अंदर जो ओवरऑल, वो बड़े अलार्मिंग है।